हेपेटाइटिस और मसनू जिल्द बारे तहकीक और अद्वियात की तैयारी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी वजीर सेहत समेत 11 रुकनी खसूसी कमेटी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी पेश होने का हुक्म। वजीर सेहत समेत खसूसी कमेटी कल लॉ एंड जस्टिस कमीशन आ जाए, यूं समझें कल आप और हम सब कैद हैं, इस मसले को हल करके उठेंगे चीफ जस्टिस। जिगर की पैबंदकारी के ऑपरेशन का क्या बना, चीफ जस्टिस वजीर सेहत पर बरहम। बीबी आप कुछ काम नहीं कर रही, हर समाज पर बहाने बना रही हैं। पंजाब में नाअहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका, हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे, हम इस केस में पंजाब हुकूमत की नाअहली को तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना रहे हैं, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार। अदालत ने पी के एल आई आज खुद नोटिस केस की समाअत फरवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर के व्हाइट हाउस में मजीद दरारें पड़ गईं, चीफ जस्टिस ने खोखर पैलेस से कब्जे खत्म करवाकर 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। 40 कनाल सरकारी अराजी पर खोखर बरादरान का कब्जा है, एक खसरे के 10 अफराद में से सिर्फ एक को अदायगी करके खोखर बरादरान ने बाकियों को भगा दिया। एंटी करप्शन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। खोखर बरादरान ने आपकी रिटायरमेंट की तारीख तक जमानतें करवा रखी हैं, उन्हें आपके बाद कोई नहीं पूछेगा। डीजी एंटी करप्शन, ये जो आंखें झुकाए खड़े हैं मुझे पता है उन्होंने बाद में मेरे साथ क्या करना है, ऐसे लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, माश बदमाशी नहीं चलने दूंगा। खोखर बरादरान के खिलाफ इलाके में मक्खी भी पर नहीं मार सकती। वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी की तरह खोखर पैलेस में भी कोई तालीमी इदारा कायम करवा देते हैं, चीफ जस्टिस के कब्जे केस में रिमार्क्स। एंटी करप्शन को मुकदमे दर्ज करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी रकम लेने वाली आईपीपीज और विफाकी हुकूमत से 9 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। आईपीपीज और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, बज़ाहिर ये 1.59 बिलियन डॉलर का मामला लगता है, 10 रोज में इजाफी अदायगियों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए सुप्रीम कोर्ट। ठंडी ठंडी हवाएं, शहर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, ठंड से तवानाई ज़राए भी ठंडे हो गए, कहीं सुई गैस बिल्कुल बंद तो कहीं प्रेशर कम, बिजली का आना जाना भी लगा है। लेस्को के 27 फीडर्स के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटों से भी बढ़ गया। एलपीजी, लकड़ी और कोयले समेत तवानाई के मुतबादल ज़राए भी महंगे, लकड़ी 500 की बजाय 700 से 800 रुपये फी मन फरोख्त, कोयले की कीमत 40 रुपये से 70 रुपये फी किलो पहुँच गई, महंगाई के सताए आवाम की परेशानी और बढ़ गई। आलू सस्ता है ना गोभी, टमाटर, लहसुन, अदरक, हंडिया की बुनियादी जरूरियात की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर। सिंहपुरा सब्जी मंडी में रेट लिस्टें तो मौजूद लेकिन कीमतें दोगुनी वसूल, कोई पूछने वाला नहीं, आवाम परेशान। लंडा बाजारों पर भी महंगाई के साए, रश तो बहुत है, खरीदने वाले कम हैं। जर्सी, कोट, जैकेट, स्वेटर, जूते, हर चीज की कीमत आपे से बाहर हो गई। सफेद पोश तबके को शदीद सर्दी में गर्म मलबूसात खरीदने के भी लाले पड़ गए। लाहौर न्यूज ने दिलाया एहसास, अब आरामदेह कमरों में बैठकर नहीं होंगे काम। लाहौर न्यूज की निशानदही, सफाई की निगरान कंपनियों के अफसरान ने भी शहर को साफ सुथरा करने की ठान ली, छुट्टी के रोज भी काम। यूसी 110 में सफाई और आगाही मुहिम साथ साथ, दुकानदारों और मकीनों में वेस्ट बैग्स और आगाही पंपलेट तकसीम, लाहौर न्यूज की निशानदही ने काम आसान कर दिया। एमडीएल, डब्ल्यूएमसी और दीगर अफसरान का इजहार तशक्कुर। शहर को चमकाने के लिए शहरी भी साथ दें, सफाई की निगरान कंपनियों के जिम्मेदारों की अपील, शहरियों के ताबून के बगैर महकमा कुछ नहीं कर सकता। एमडीएल, डब्ल्यूएमसी फारूक कयूम बट, शहरियों को भी अपना घर समझें और जगह जगह कूड़ा करकट मत फेंकें, आजासम शरीफ।
आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे। अगर गंदगी और तआफुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर जो कि है 03444450192। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार। साबिक हुकुमरानों ने पसमानदा इलाकों के मसाइल हल नहीं किए। माजी में वसाइल का रुख सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद रखा गया। हर पसमानदा तहसील को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाएंगे वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का सर गंगाराम अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक का अचानक दौरा। वजीर सेहत ने लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया, मरीजों से तकालीफ दरियाफ्त की और शिकायत के अजाले के लिए फौरी अहकाम दिए। शादी हॉल्स के मालिकान होशियार, टैक्स चोरी करना अब मुश्किल। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का शादी हॉल्स की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन चलाने का फैसला। ड्रोन के जरिए शादी हॉल्स में शिरकत करने वाले अफराद को मॉनिटर किया जाएगा। वजीर आला का नाम और रिश्तेदार जाहिर करके सरकारी इदारों के अफसरान पर रोब जमाने वाले अब्बास आ जाएं। मुबैना रिश्तेदारों के लिए सख्त अहकाम। महकमा एस एंड जी ए डी ने सर्कुलर जारी कर दिया। बाज लोग खुद को वजीर आला का भाई या रिश्तेदार जाहिर करके काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के काम ना किए जाएं, सर्कुलर। सुंदर के इलाके में 35 साल खातून की हलाकत, घर के दरख्त से लटकी हुई लाश मिल गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मौके से शवाहिद भी इकट्ठे कर दिए। खातून चार बच्चों की मां, जहनी हालत ठीक नहीं थी, बुरा सा। थाना गड़ी शाहू की हदूद से भी 35 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद। और छुट्टी के रोज लाहौरियों की मौज मस्तियां। क्रिकेट के दीवानों ने सड़कों पर चौके छक्के लगाए तो खाबों के शौकीन लाहौरियों ने मनपसंद नाश्ते की दुकानों पर डेरे लगाए। पाए मुर्ग चने निहारी, जी भर कर खाबों पर हाथ साफ किया। गवर्नर हाउस आज फिर ओपन, शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई।